हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 13 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेंगे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्टेट रहेगा एक जिसे हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल नॉलेज रहेगी, स्टैटिक जीके रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। ओके, तो मोटिवेशन कोट देख लेते हैं आज का क्या है। ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कम्फर्ट जोन। कहने का मतलब ये है, जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो भी आपकी सक्सेस है, वो कम्फर्ट जोन से बाहर होती। जब तक आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहनत करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ जो रहेगी महत्वपूर्ण दिन से रहेगी, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया था 10 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कब मनाया गया, तो 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, साइलेंसिंग द गन्स विषय के तहत आयोजित किए गए वार्षिक अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2020 का स्थल क्या है। तो मतलब कि एक शिखर सम्मेलन हुआ है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2020, उसकी थीम तो रही थी साइलेंसिंग द गन्स। ठीक है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। और ये हुआ है अदिस अबाबा में, इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल होती है अदिस अबाबा और बिर होती है वहाँ की करेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली विदेशी भाषा की फिल्म का नाम क्या है। तो वो है पैरासाइट, दक्षिण कोरिया ये फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 जो है ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम क्या है। अब जो 92 नंबर के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने, उनका नाम है जैक्विन फिनिक्स। ये जोकर फिल्म इनकी थी, उसके लिए इनको मिला हुआ है। 92वे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है, तो ये बनी है रेनी ज़ेलवेगर। ये जूडी फिल्म के लिए बनी है। ठीक है, पहले एशियाई और दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता कौन है जिन्होंने 92 जो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अब इसका एडिशन जो था ऑस्कर का, तो वो था 92। इसे हम बार बार ना भी बोले तब भी आप समझ जाएंगे 92वे। ओके, तो इसमें एक निर्देशक हैं जो कि एशियाई और दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता हैं, तो उनका नाम है बोंग जू हो, और ये पैरासाइट के निर्देशक है और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी की उपस्थिति के 40 साल एकजुटता के लिए एक नई साझेदारी सम्मेलन 17 फरवरी 2020 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कैपिटल होती है इस्लामाबाद। ओके, और वहाँ पर भी करेंसी रुपया ही चलती है, इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं, CSR परिषद 2020 का आयोजन स्थल क्या है, तो वो है पुणे। स्मार्ट शहर की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा रहा है, तो वो रहा है अहमदाबाद। और अहमदाबाद क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। गुजरात की कैपिटल क्या होती है, आप सभी को पता होगी, गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। गांधीनगर क्या है, हमारे जो भी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है गांधीनगर। ओके, गांधीनगर में स्मार्ट बसेस चलाई गई थी और वहाँ पर एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर साधुवेट घाट पर नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर की दुनिया की सबसे लंबी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि अब तक दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ओके, और भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर डेयरी उद्योग पूछा जाएगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेयरी उद्योग है, और अमूल की बात अगर पूछेंगे तो अमूल भी वहीं पर है। अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और, कांसे की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी गांधीनगर में बनाई गई है अभी हाल ही में, तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने गुजरात के अंदर से बता दी। अब SDFC बैंक के नए डिजिटल अधिकारी कौन बने हैं, तो वो बने हैं अंजनी राठौड़। अंजनी राठौड़ जी हैं जो डिजिटल अधिकारी बनी है SDFC बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस
टूर्नामेंट में एकल पुरुष, जो पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन बने, तो वो बनी है जिरी बेजली, ये कहाँ करें, चेक गणराज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लम केरल में खेले गए 10वीं हॉकी इंडिया वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 ए डिवीज़न की विजेता कौन है, तो वो है हरियाणा की, जो हरियाणा है वो है। अब कोल्लम मतलब केरल में एक जगह है कोल्लम, वहाँ पर 10वीं हॉकी इंडिया वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 की विजेता बना है हरियाणा। ओके, कसौटी क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो है नसीम शाह, ये केवल 16 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए नैतिकता अधिकारी और पहले लोकपाल कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति डीके जैन। बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो है सौरभ गांगुली जी, ये नवनियुक्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष विजेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं आदित्य मेहता। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आदित्य मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये स्नूकर चैंपियनशिप में से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में महिला विजेता कौन है, तो वो हैं विद्या पिल्लई। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड समारोह में कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो इयोन मॉर्गन को, ये इंग्लैंड के हैं और इन्हें चुना गया है। राज्य विशेष की बात करेंगे, 10 फरवरी को किस राज्य सरकार द्वारा पठन अभियान शुरू किया गया है, तो हरियाणा के द्वारा पठन अभियान शुरू किया गया है। तो अब हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन भी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी तो आप सभी को पता चंडीगढ़ होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो वहाँ है 879 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं, मतलब कि वहाँ का लिंगानुपात जो है 879 है, ठीक है। अगर वहाँ की मुख्य भाषा अगर पूछी जाएगी तो हिंदी तथा हरियाणवी वहाँ की मुख्य भाषा पूछी जाएगी। जिला जो पूछे जाएंगे तो वहाँ 22 हैं, और 22वां जिला अगर पूछा जाएगा तो चरखी या दादरी जो जिला है वो 22वां जिला है, ठीक है। सीमा अगर पूछी जाएगी तो हरियाणा की सीमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश से एवं पंजाब से मिलती है, और पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश से हरियाणा की जो भी सीमा है वो टच करती है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 90 हो जाती है। राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 5 हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं वो 10 हैं। और यहाँ की अगर फसलें पूछी जाएंगी प्रमुख, तो वो बताएंगे चावल, बाजरा, जौ और चना। राज्य की पशु हरियाणा का नील गाय है, और राज्य की पक्षी जो है वो काला तीतर है। राज्य दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रमुख नगर अगर पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे अंबाला है, गुड़गांव है, करनाल, करनाल में डेयरी उद्योग अनुसंधान संस्थान भी है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा, सोनीपत, ये सभी जो हैं वहाँ के प्रमुख नगर हैं। अगर नदियाँ पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे यमुना, घग्गर और मास्कंडा जो नदी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर त्यौहार पूछे जाएंगे तो लोहड़ी त्यौहार वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है, जबकि टिक्का यहाँ का प्रमुख पर्व है। हवाई अड्डे पूछे जाएंगे तो आप हिसार, पिंजौर, करनाल और नारनौल भिवानी हवाई अड्डे वहाँ पर आपको अवस्थित मिल जाएंगे। वन्यजीव विहार वहाँ पर हैं तो छतवीर तथा सुल्तानपुर झील पक्षी विहार वहाँ पर मिलेगा। अनुसंधान के मैंने बताई दिया आपको, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको जो कि करनाल में है। और कृषि वहाँ पर 80% लोग जो है कृषि कार्य में जो है संलग्न रहते हैं। पर्यटन केंद्र की अगर बात करेंगे, बड़कल झील है जो कि फरीदाबाद में है, एक कर्ण झील भी है जो ओझाना में है, किंगफिशर है अंबाला में, राजहंब है सूरजकुंड में, और सूरजकुंड मेला जो लगता है वो भी आपको याद रखना है, फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर लोक नृत्य की बात पूछी जाएगी तो रासलीला, धमाल नृत्य, धूमर नृत्य और सपोला नृत्य यहाँ पर प्रमुख नृत्य होता है। प्रमुख उद्योग अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे सूती वस्त्र उद्योग हैं, सीसा, सीमेंट, ये सभी बातें जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश के 11 प्रमुख कृषि संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करते हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अभी तो हैदराबाद, इसकी प्रस्तावित कैपिटल क्या है 2024 में हो जाएगी अमरावती। अब अभी बताया गया है कि इसके 3 कैपिटल प्रस्तावित कर दी गई हैं, उसमें पहली कैपिटल जो रहेगी वो रहेगी अमरावती, दूसरी रहेगी विशाखापट्टनम और नेक्स्ट जो रहेगी थर्ड नंबर पे वो रहेगी कुरनूल।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर उन्होंने अपनी विधान परिषद जो है उसे भंग कर दिया है। इनका कहना है कि विधान परिषद कोई डिसीजन नहीं लेती है तो उसको रखना क्यों है, इसलिए ओके। और भाषा के तौर पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, तो 1954 में इसे भाषा के तौर पर गठित किया गया था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्म का नाम क्या है, तो वो है मुक्ताश्री, IET 21845। आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्म का नाम क्या है, मुक्ताश्री, IET 21845। ये नाम आपको याद रखना, आप पूछा जा सकता है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित जो भी GK बन रहा है, सामान्य ज्ञान बन रहा है, वो भी देख लिए। स्मार्ट शहर अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 2015 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़ की स्थापना कब हुई थी, 14 सितंबर 1950 में हुई थी। मुख्यालय आपको इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल की स्थापना 1928 में हुई, मुख्यालय मुंबई में, और अध्यक्ष इसके सौरभ गांगुली, आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे YouTube चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ओके। और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर शेयर चैट डेली मोशन यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ओके। अगर आप वीडियो ना देख के ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगी और वो आपके लिए बेनिफिट भी होगा। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के आप वहाँ पर सुन सकते हैं। तो अब हर जगह हमारा अकाउंट आपको तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स बनाने हैं और आपको क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ओके। अब बात कर लेते हैं डिटेल करंट न्यूज़ की। तो कावेरी डेल्टा को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। 9 फरवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानी स्वामी ने घोषणा की कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा। डेल्टा क्षेत्र की रक्षा करने और किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिकम, पुटकोट्टई, कुडलोर, अरियारूल और करूर और तिरुचिरापल्ली जिलों में विशेष सुरक्षा जो है प्रदान की जाएगी ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि कावेरी जो नदी है वो कहाँ पर है, तो वो तमिलनाडु के अंदर है, ये तो आपको पता होना चाहिए ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदावेट्टा, नीलगिरी पर्वत पर है इसकी शिखर, जो सबसे उच्च शिखर है ठीक है। अब कावेरी नदी को संरक्षित क्षेत्र किस राज्य ने घोषित किया है, तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानी स्वामी द्वारा इन्हें घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में 2130 द्वीप तटीय नियमन जोन शासन के तहत लाए गए हैं। जो केरल राज्य है उसमें 2130 द्वीप जो हैं वो तटीय नियमन जोन शासन के तहत लाए गए हैं ठीक है। तो मालाडु सहित केरल के 2130 बैकवाटर द्वीपों को तटीय विनियमन क्षेत्र तटीय विनियमन जोन शासन के तहत लाए गए हैं, जिसके विकास गतिविधियों पर अंकुश लगा है। हाई टाइट लाइन के बीच क्षेत्र में और भूमि के किनारे की ओर 50 मीटर की दूरी पर इन द्वीपों में कोई नई विकास गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी ठीक है। तो अब क्या है कि जो केरल है वहाँ पर 2130 जो द्वीप हैं उन्हें क्या किया गया है कि उन्हें नियमन जोन के शासन तहत उन्हें रख दिया गया है। इससे क्या होगा कि अब इन द्वीपों में कोई नई विकास गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? अब देखो, मालाडू सहित केरल के 2130 बैक वाटर द्वीपों को तटीय विनियमन क्षेत्र तटीय विनियमन जोन शासन के तहत लाए गए, जिससे विकास गतिविधियों पर अंकुश लग गया है। हाई टाइट लाइन के बीच क्षेत्र में भूमि के किनारे 50 मीटर की दूरी पर इन द्वीपों में कोई भी विकास गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज बहुउद्देशीय परियोजना। केंद्र ने जम्मू कश्मीर
के कठुआ जिले में किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध पानी उपलब्ध कराने और बिजली उत्पादन के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। उज नदी रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह परियोजना उज नदी रावी नदी की एक सहायक नदी है। इस 781 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करेगी। विश्व दलहन दिवस को देख लेते हैं। अब विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने में सरकार की विभिन्न पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। साथ ही सरकार को उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर। अब भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम है अजय वारियर। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन आगामी 13 से 26 फरवरी तक यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के 120 सैनिक इस सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। विभिन्न उग्रवाद रोधी एवं आतंकवाद रोधी अभियानों का अनुभव साझा करेंगे। पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अजय वारियर जो सैन्य अभ्यास है किन किन देश के मध्य होता है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वारियर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, अजय वारियर 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है यूके के यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कितने कितने सैनिक ने भाग लिया है, तो इंडिया के 120 सैनिक रहेंगे और एक यूके के 120 सैनिक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और बाल तस्करी पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि बच्चों और महिलाओं की तस्करी में सबसे अधिक मामले जो आए हैं मुंबई, कोलकाता और इंदौर जैसे शहरों में दर्ज हुए हैं। ये जानकारी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई और दिल्ली क्रमशः 18,183,949,12 और 16,399,831 के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे। कोलकाता में 14,03,5959 आबादी के साथ तीसरा नंबर था। ठीक है, अब ये एक जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट है यही पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बाल तस्करी पर जो सबसे अधिक मामले हैं किस राज्य में देखे गए हैं, किस शहर में देखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई फर्स्ट पे रहा, सेकेंड पे कोलकाता और थर्ड नंबर पे रहा MP का इंदौर। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट में आज हम डिस्कस करेंगे गोवा को। तो गोवा की कैपिटल होती है पणजी और सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाएगा तो वो होता है वास्को डी गामा। और ज़िले अगर पूछे जाएंगे गोवा के तो दो ज़िले होते हैं। राजभाषा वहाँ की कोंकणी हो जाती है। गठन हुआ था गोवा का 30 मई 1987 को। राज्यपाल अभी वर्तमान में मृदुला सिन्हा जी हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 40 है, राज्यसभा की सीट एक है और लोकसभा की सीट जो हैं दो हैं। राज्य दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है जब ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा राज्य, तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, राजकीय पक्षी है धामरा और राजकीय पशु जो है मूसक मेरग है। नदियाँ यहाँ की हम बताते रहते हैं, मांडवी, जौरी और तरेखौल, चपोरा, बैतूल जो है वो गोवा के अंदर नदियाँ हैं। अगर वन्यजीव विहार पूछे जाएंगे तो बोंडला, कोटीगांव, मोलेम, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान जो है वो, देखो सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगी और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, तो ये कन्फ्यूज मत करना। ठीक है, और शोध एवं अनुसंधान केंद्र तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको गोवा के अंदर मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो भी गोवा के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। तो जनवरी जा चुकी है, फरवरी चल रही है, तो साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। हमें पता है आपने नोट तो किया होगा पर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो हम तो कराएंगे आपका रिवीजन जिससे आपको याद बना रहे। तो जनवरी में जितने भी दिन रहे थे तो स्पेशल नॉलेज में हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी के क्या क्या दिन रहे थे, लुईस ब्रेल दिवस रहा 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, वोटर डे भी 25 जनवरी को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस सभी को पता है 26 जनवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाते हैं, और कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो भी हम 30 जनवरी को मनाते हैं। तो 3 30 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 3 30 और 3, तो सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस जो है 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब बात कर लेंगे स्टैटिक पोर्शन की। स्टैटिक पोर्शन में मैं आपको बताऊंगी आज आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, श्री शैलम नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओके, पुलिकट झील सेंचुरी जो है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगी। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 most important questions and answer। वीडियो आप पूरा वॉच किया कीजिए, क्वेश्चंस आप 10 10 per day भी तैयार कर रहे हैं तब भी एक महीने में आपके 300 क्वेश्चंस तैयार हो जा रहे हैं अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण क्या है? तो जब सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण जो होता है जन्य प्रभाव में होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होने लगते हैं। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी है रवात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 13 नवंबर 1993 को, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप देख लेना, 1993 को, 13 नवंबर 1993 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो जाते हैं राजा राम मोहन राय। वेद समाज से संबंधित कौन था? तो केशव चंद्र सेन। सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? तो ग्रेगेरियन है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो वो बैंगलोर में। अब महाबोधि टेम्पल जो है जिसका निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल राजा ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया था। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो वो हैं अरविंद घोष। खालसा जो है, तो खालसा जो पंथ है उसका संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, स्टैटिक पोर्शन के साथ, स्पेशल नॉलेज के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड 10 most important questions के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो उसको आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पे अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर और शेयर चैट अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो ना देख के ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप पर हमारी ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अभी का बेनिफिट है उसमें, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस की PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का और अपने सपनों का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते जाइए, चलते जाइए जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।